1000 बस इतना ही तो खरीदते हैं, और कुछ खरीदा है क्या? 2200 वो है, 400 एक्स्ट्रा कहाँ से लग रहा है? 4700 का फटका लगा है, पर यहाँ का सर्विस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मजा आ गया मुझे। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वो लाल लाल बटन है ना, उसको दबा दो दबा दो। और फिर से निकल पड़ी हमारी गाड़ी ये सवारी। 1000 बस इतना ही तो खरीदते हैं, और कुछ खरीदा है क्या? 2200 वो है, 400 एक्स्ट्रा कहाँ से लग रहा है? चलो डिस्काउंट नहीं दिया हम लोग, डिस्काउंट लेके आए, हमको कूपन नहीं चाहिए था। हिसाब गड़बड़ा गया है, अब देखते हैं क्या होता है। चलो 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 चलो, हिसाब क्लियर करो। तो हिसाब ठीक हो गया है। सॉरी गाइस, अब ऐसा है कि 200 रुपए नहीं, 300 पड़ा मेरा टी शर्ट का, और हम दो ही ठोली ऐसे दो ही ठोक लिए हैं। थैंक गॉड यार, 4700 का फटका लगा है, पर यहाँ का सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ गया मुझे। और मतलब कल शाम से अभी सुबह शाम हो गए, मतलब 2 बज गए, इस बीच क्या क्या हुआ ये तो मैं शूट नहीं कर पाया। अब बंजारा प्लैनेट अजितेश का चैनल है, उसमें आप जाके मतलब इतनी देर का बीच का वो अपडेट देख सकते हो, उसमें वो सारा वीडियोस होगा। और अभी फाइनली मेरा फ़ोन फिर से बन गया, और डेटा भी इन्होंने लॉस नहीं होने दिया, तो थैंक यू सो मच सैमसंग कस्टमर सर्विस। और अभी हम कटक में ही हैं, मतलब कटक से 3 किलोमीटर आगे निकले सैमसंग सर्विस सेंटर पर अपना फ़ोन बनवाया, और अभी मैं बहुत खुश हूँ, पर दिख नहीं रहा क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया है। और अभी आगे बढ़ते हैं, सो सैमसंग सर्विस सेंटर से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये दोनों लॉन्डे, हाय, फाइनली तेरा फोन ठीक हो गया। आप जर्नी सफल होती आम सागर मेडिकल था, एम लोक मान भी सचेतन करते जे फ्यूल न बर्न कर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतना पर्याप्त है, बस थोड़ी सा का प्यार। बता रहा हूँ, ये पहले ना मतलब नाला गटर हुआ करता था, और अभी ये इतना सुंदर इतना प्यारा हो गया है ना, ये पूरा लंबा था। ग्रेट जॉब भाई बीजू पटना यार, ग्रेट जॉब। यहाँ पे अब बोटिंग वोटिंग भी हो सकता है, मतलब होगा भी, और ये पानी इतना साफ बह रहा है, मतलब बहुत सही, बहुत 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 सही। आप रोड वोड तो देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले बहुत गंदा हुआ करता था ये जो एरिया है, बहुत ज़्यादा ही गंदा हुआ करता था, पर अभी पूरा साफ हो गया है, मस्त। लेकिन बहुत बढ़िया, और मुझे भी ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा है इस रोड पे, एकदम बढ़िया जा रहा है सब कुछ। देख ही रहे हो आप लोग, पूरा फुटपाथ उत्पाथ सब है, और अभी ये मतलब अपग्रेड हो ही रहा है, पता नहीं और कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये कटक है और बहुत ही अच्छा है कटक, बहुत अच्छा लगता है, मस्त। ये देखो आगे क्या हो रहा है दादा, एक बार और फिर से। आहा, क्या बात है, मौसम की क्या बात है, तो जवानों चलिए बाय बाय बाय। हाँ ऐसे से है, ये हो रहा है इधर कटक में। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह ये व्यू
व्यू तो देखो कितना मस्त है यार। तेज हवा चल रही है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है भी कि नहीं, पर जो भी है मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ठंडा हवा चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और ये देखो यहाँ पे लौंडे लोग पोजबाजी कर रहे हैं, ये देखो पोजबाजी हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, क्या कर रहे हो है, क्या कर रहे हो बताओगे थोड़ा। ये देखो, हेलो, ये देखिए ये है सिनेमाटोग्राफर पर अब यूपी। क्या भैया क्या कर रहे हो बे, हैं कर क्या रहे हो बे, तू क्या कर रहे हो। अरे सिनेमाटोग्राफर हीरो बना रहे हैं, उसको हीरो बना रहे, पहले से हीरो है। सो अभी बज रहा है शाम के कितना बजे सौरभ, एक मिनट दिखा दो लाइट दिखा दो, 5:40 हो गया है और हम लोग आगे बढ़े ही जा रहे हैं पता नहीं। और एक तो सबसे मस्त इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, सौरभ का एक फ्रेंड है कटक में रहता था, क्या नाम है उसका, आशीष एक मसाज सेंटर चलाता है और उसने फ़ोन किया कि भाई मैं तुम लोग के लिए क्या मदद कर सकता हूँ, तो मैं तुम लोग का मसाज कर दूँ क्या। और सौरभ ने बोला हाँ ठीक है, देखिए माता जी आपका लड़का जो है गूगल का CEO हो गया है। अब माता जी क्या कहती है, नहीं आपको कैसा लगा, माता जी हाँ अच्छा तो आपको कैसा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगता थोड़ा और पढ़ाई कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। और यहाँ पे वेदर इतना प्यारा है, देश का झंडा मेरा हिल रहा है, मतलब लहरा रहा है, मस्त वेदर है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब इसका ट्रॉली है मस्त जुगाड़ है भाई ये एक नंबर। अरे लोग सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम लोग कर रहे हैं, वो आशीष सौरभ का एक फ्रेंड है ना, उसका वेट जो मसाज वाला बंदा का, वो बोला कि 8 बजे तक तुम लोग यहीं पे रहो, यहीं पे सो जाना टेंट लगा के। और हमको भी लग रहा है कि यहाँ पे मतलब सो सकते हैं, टेंट वेंट लग सकता है आराम से, शेल्टर है नीचे, मंदिर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं दिक्कत होगा तो देख लेंगे। तो अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं, पर वो 8 बजे आएगा, अभी कितना बज रहा है, अभी 7:30 हो गया, भूख लग रहा है भाई, बहुत हेवी भूख लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, अब 7:30 हुआ, 8 बजे वो लेके आएगा खाना, फिर खाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है अभी इधर उधर, अभी बस यही है, तो ठीक है अभी हम इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं, तो चलो खाने का इंतज़ार करते हैं। और फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो पता नहीं यहाँ पे मतलब सारे स्कल्पचर ऐसे क्यों बनते हैं, आई डोंट नो, देखो सारे स्कल्पचर ऐसे क्यों होते मुझे नहीं पता। आप देखे होंगे कि मतलब हाथी के ऊपर शेर चढ़ा होगा, या फिर कोई शेर ही सिर्फ होगा तो उसकी वो लिंग निकली होगी, आई डोंट नो, मतलब ऐसे क्यों होते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता ऐसे क्यों होते हैं, पर खैर जो भी हो। सो हम लोग डिनर करने के लिए आ गए थे यहाँ पे, और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़े और फिर ये नेशनल हाईवे पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे हेलो हाय हाय तो ये हो रहा है यहाँ पे, हमने डिनर तो कर लिया पर इतनी बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है, वो भी पे लिया था। हाईवे पे चल रहा हूँ और रात के मतलब 10:30 बज गए, हमें कोई शेल्टर नहीं मिला, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ। अभी थोड़ा सा बारिश थमा है तो मैं चल रहा हूँ, फिर भी मेरे मुँह पे मतलब वो होते ना बारिश के छींटे मतलब पड़ रहे हैं, वैसे तो बारिश पूरी तरीके से रुकी और वेदर इतना साथ नहीं दे रहा, ऊपर से रात भी हो गया है। सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं चलते रहते हैं,
और पता नहीं शेल्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखते हैं, बढ़ते रहते हैं, मिलना ही चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं क्या ही बात करूँ, अभी रात के कितना बज गया, बहुत बज गया ठीक है। और हम लोग ऐसे जगह पे, मतलब बारिश हो रही है, नेशनल हाईवे है, पता नहीं क्या है, ऐसे जगह पे हम लोग अपना शेल्टर लगा दिए हैं। ये टेंट है, देखो टेंट आपको नज़र आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो मुझे माफ़ करना। एक मिनट, ये टेंट है और मस्त रात हो गई है, हम लोग यहीं पे आज स्टे कर रहे हैं। तो सीरियसली मैं आज बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मतलब ये सिर्फ चलना ही तो होता है, ऐसा अगर सोचते हो तो ये सच में बहुत गलत है। इस बीच में बहुत कुछ होता है। अभी बताओ घर नहीं है, मतलब ऐसा है कि टेंट लगा के रहते हैं, बारिश हो रही है, नेशनल हाईवे पे हमारी हालत, तो इन सब सिचुएशन के लिए रेडी होना था। मैं इसको कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, इसका भी अलग मज़ा और इसमें भी हम मज़े कर रहे हैं। बट कि हर दिन एक सिचुएशन नहीं होता और हर दिन लग्जरियस लाइफ नहीं होता, जैसा कि आपने देखा होगा स्टोरीज में इंस्टा में कि भाई मस्त ये लोग तो गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, एसी वाले रूम पे रह रहे हैं। तो हर दिन हमारा वैसा नहीं होता, कुछ दिन हमारा ऐसा भी होता है कि लाइक ऐसे ऐसे जगह पे भी रहना होता है। और बारिश में ऑलरेडी बहुत भीग गए थे, तो अभी कपड़ा भी चेंज किया, तो ये शॉर्ट्स में आ गया। मैं कैसे दिखाऊँ मैं अपने आप को शॉर्ट्स में, हाँ ये शॉर्ट्स में, तो ठीक है। तो आज का दिन हम यहीं पे रैप अप करते हैं, डे 40 ख़त्म यहीं पे। ओके बाय, कल मिलते हैं एक नए जोश, नई उमंग और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, एंड फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक आ जाएगा इंस्टाग्राम का, फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, क्योंकि तुम चैरिटी तो कर नहीं रहे हो, पैसा तो तुम भेज नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, तुम्हारा शेयर ही मेरे लिए डायमंड है, वही बहुत हेल्प करेगा मेरा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ओके एंड बाय। अपना ख्याल रखो, गुड नाइट।